पुलिस थाना जवाली के अंतर्गत आते क्षेत्र हरनोटा के ठेके पर 8-9 जुलाई के मध्य रात्रि को चोरी हुई 85 पेटी में से 21 पेटी अंग्रेजी शराब को पुलिस टीम ने सोमवार सुबह एक खाली पड़े नलकूप में से बरामद किया। उपमंडल जवाली के जलशक्ति विभाग के भरमाड़ क्षेत्र के ढसोली में नाबार्ड के अंतर्गत बने नलकूप संख्या 15 में उक्त ठेके से चोरी हुई कुल 21 पेटी अंग्रेजी शराब को पुलिस थाना जवाली के थाना प्रभारी प्रीतम सिंह जरियाल के नेतृत्व में टीम ने सोमवार सुबह बरामद किया। मिली जानकारी के अनुसार सिंचाई के लिए बने उक्त नए नलकूप को अभी तक विभाग ने शुरू नहीं किया हुआ है। ऐसे में विभाग द्वारा कोई कर्मचारी नलकूप पर नहीं रखा था, जबकि दरवाजे पर ताला लगाया हुआ था, परंतु चोरों ने खाली पड़े नलकूप के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर चोरी की गई शराब को रखा हुआ था। इसी बीच किसी ने रात के समय नलकूप के भीतर से चोरी की गई शराब को निकालते हुए व्यक्ति को देख लिया और इसकी सूचना जवाली पुलिस को दे दी। सूचना मिलने के उपरांत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नलकूप पर दबिश दी। पुलिस ने नलकूप इमारत में अंदर जाने से जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता निर्मल सिंह को भी घटनास्थल पर बुलाया और उसके सामने अंदर पड़ी अंग्रेजी शराब की 21 पेटी को बरामद किया। ज्ञात रहे कि पुलिस थाना जवाली के अंतर्गत हरनोटा के शराब के ठेके में 8-9 जुलाई को मध्य रात्रि को 85 पेटी शराब की चोरी हुई थी। उसी मामले के अंतर्गत 21 पेटी शराब सोमवार को ढसोली नलकूप से बरामद की गई। SHO जवाली प्रीतम सिंह जरियाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सूचना के आधार पर हरनोटा ठेके से चोरी हुई 85 पेटियों में से 21 पेटी को ढसोली नलकूप से बरामद किया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। हिमाचल प्रेस उसली जवाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट। तो आज जांच में आए थे, हमें सूचना मिली थी कि यहाँ नलकूप में जो कुछ शराब की पेटी रखी है, मौका पर जे को बुलाया गया और लोकल प्रधान को बुलाया गया। उनके सामने नलकूप को चेक किया जो पंप हाउस है, तो अंदर इसमें जो 21 पेटी बरामद हुई है वो उनको कब्जे में ले लिया। सर आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? सर इसकी आगामी तफ्तीश जारी है। ये पेटी जो है असेल मैन ने अपने वहाँ ठेके से चोरी उसने कर दी है, तो आगे जो कार्रवाई जाएगी। ठीक है। तो मेरे को फ़ोन आया था SHO ज्वाली जी से, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ कोई शराब की पेटियाँ हैं इसके अंदर नलकूप के अंदर, और जब हम यहाँ आए तो इन्होंने नहीं खोला था, क्योंकि जब तक मैं नहीं आता इन्होंने नहीं खोला। जब आके देखा तो यहाँ कुंडी टूटी हुई थी, ताला भी तोड़ा हुआ था और किसी ने अवैध रूप से यहाँ कुछ चीज़ें रख दी हुई थी, जो बाद में गिनने पर 21 पेटियाँ शराब की बरामद हुई। एक्चुअली हमारे पास अभी स्टाफ की कमी है ना, तो यहाँ तो अभी कोई भी डिप्यूट नहीं है। वैसे स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया चली है डिवीजन में, जल्दी स्टाफ रख लिया जाएगा। जो मल्टीपर्पज वर्कर की भर्ती की प्रक्रिया वो चली हुई है यहाँ हमारे डिवीजन में। तो ये जो ट्यूबवेल है वो इरीगेशन का है या पेयजल का है? ये इरीगेशन का है। इरीगेशन ट्यूबवेल डिमांड पे ही चलते हैं।